Hey guys, what is up? Welcome back to the channel. Hope all of you are doing extremely well. फिर आज के वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, समझेंगे प्रोडक्टिविटी के बारे में, कैसे एक प्रोडक्टिव दिन अचीव कर सकते हैं। ऑफकोर्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्रोडक्टिविटी आपके लिए भी एक प्रॉब्लम होगी। दिन में काफ़ी कुछ काम करना रहता है बट सब कुछ कर नहीं पाते, और ऐसे भी दिन आते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाते। मेरे साथ भी ऐसा होता था, रात को यार सोते वक्त ऐसा होता है कि आज कुछ नहीं किया या फिर आज कुछ मिस हो गया, ठीक से कर नहीं पाया। ऐसा काफ़ी कम होता है जब रात को सोने के टाइम ऐसा लगता है कि हाँ आज पूरा दिन एकदम अच्छा गया है, आज जो भी कुछ सोचा था सब कुछ हो गया है। तो यार इसी के रिलेटेड हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, कैसे हर रोज़ प्रोडक्टिव रह सकते हैं। इस वीडियो में तीन चीज़ों के बारे में देखेंगे, वॉट कि प्रॉब्लम है क्या, डिटेल में प्रॉब्लम को समझेंगे, वाई कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है, और हाउ ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और मैं इसीलिए बता पा रहा हूँ कि मैंने ये प्रॉब्लम फेस की है, अभी भी करते आ रहा हूँ, बट मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊँगा मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू। इंटरनेट से नहीं बताऊँगा कि ये करो ऐसे प्रोडक्टिविटी अचीव करो, नहीं, मैंने जो खुद से एक्सपीरियंस किया है, मैं जो रोज़ करता हूँ वही आपको बताऊँगा, ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ, इम्प्लीमेंट कर पाओ और प्रोडक्टिविटी अचीव कर पाओ। ठीक है, तो यार देखो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास काम तो बहुत सारे होते हैं। जब सुबह उठते हैं तब हमें कुछ पता नहीं रहता कि हमें क्या करना है, या फिर पता भी हो सकता है कि हमें ये सारी चीज़ें करनी है बट कैसे करनी है वो नहीं पता होता है, और कभी कभी तो क्या करना है वो भी नहीं पता होता। ऑफकोर्स आप लोगों के साथ भी होता होगा ये, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, राइट? मेरे साथ भी होता था। अब एग्जाम्पल लूँ तो समझो हमारे पास 5 से 10 टास्क है करने के लिए, कोई स्किल सीखना हो गया, अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज वर्क हो गया, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो गई, उसके अलावा सपोज़ हेल्थ के लिए टाइम निकालना, फिटनेस के लिए टाइम निकालना, ऑफिस का काम हो गया। ठीक है, काफ़ी सारे काम हो सकते हैं एक दिन में, बट उसको मैनेज करना, उस चीज़ों को सही से इम्प्लीमेंट करना हमें पता होना चाहिए। अगर यही पता नहीं होगा तो हम प्रोडक्टिविटी अचीव कर ही नहीं पाएंगे, प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, रोज़ यही करते आएंगे। कभी कभी तो कोई प्लान नहीं होता, कोई क्ल्यू नहीं रहता कि क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, वो भी हमें पता नहीं होता। मोस्ट ऑफ दी बार बस हम फ्लो में रहते हैं, जैसे दिन जा रहा है वैसे हम भी जाते जाएं, जो होगा देखा जाएगा, अक्सर सभी लोग यही करते हैं। इससे क्या होता है, जो चीज़ अचीव करनी होती है वो नहीं होती, जो टास्क ख़त्म करना होता है वो नहीं होता, और फिर दूसरे दिन सेम चीज़ करते हैं और बस ये रिपीट होते ही जाता है, जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ भी अचीव नहीं होता, हमारा टास्क ख़त्म नहीं होता। रात को सोने के टाइम काफ़ी सारे ख्याल आते हैं कि यार कब करूँगा, क्या करूँगा, कैसे करूँगा। ये सारा चीज़ मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रॉब्लम, अब बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है। इसमें दो चीज़ें, पहली कि हमें पता है क्या करना है बट हमें ये नहीं पता कि कैसे करना है, उसकी वजह से भी हम प्रोडक्टिविटी अचीव नहीं कर पाते, और दूसरी चीज़ ये है कि हमें पता ही नहीं होता हमें क्या करना है, बस दिन के साथ हम भी चलते जा रहे हैं, टाइम पास करते जा रहे हैं, दिन निकलता जा रहा है और कुछ अचीव नहीं कर पा रहे, कुछ कंप्लीट नहीं कर पा रहे, पूरे दिन में रैंडम चीज़ें करते रहते हैं। अगर समझो आप कॉलेज में हो तो बस कॉलेज का काम किया, फिर क्या किया, टीवी देखा, टाइम पास किया, फ़ोन गैजेट्स यूज़ करते रहे, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहे, आराम किया, खाया पिया और सो गए। अगर आप ऑफिस में हो तो यार ऑफिस का काम किया जो करना ही पड़ता है, उसके बाद क्या, आराम किया, खाया पिया, सो गए, नेक्स्ट दिन वापस सेम रूटीन, राइट? इस बीच में हम और कुछ नहीं कर पाते जो हमें करना होता है। मैंने आसपास काफ़ी सारे केसेस ऐसे देखे हैं जो अचीव करना कुछ चाहते हैं बट ऑफिस की वजह से, कॉलेज की वजह से टाइम नहीं मिलता उनको, बट टाइम कभी नहीं मिलेगा, टाइम हमें खुद ही निकालना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें आनी चाहिए, उसी से हम टाइम निकाल पाएंगे। टाइम खुद अपने आप चल के नहीं बोलेगा कि अब मैं फ्री हूँ, आपको जो करना हो करो, आपको जो सीखना है सीखो, मैं बैठा हूँ, मैं रुका हूँ, आपका काम हो जाए फिर मैं चालू करता हूँ वापस मेरा टाइम, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद ही टाइम निकालना पड़ेगा, खुद मैनेज करना आना चाहिए। मेरे को भी नहीं आता था, मैं भी काफ़ी कुछ डिले करता था, प्रोकेस्टिनेट करता था, तो यार लगता था कि आज तो ऑफिस का काम है, थोड़ा लंबा चलेगा, टाइम नहीं निकाल पाऊँगा, कल कर लेता हूँ, ऐसे करते करते काफ़ी डिले करता था चीज़ों को। और जब टाइम था उस टाइम में टीवी देखता था, सोशल मीडिया, आराम, खाना पीना, यही सब। तो यार ये तभी होता है जब हमारे पास कोई प्लान नहीं होता, सुबह उठ के सबसे पहले क्या करना है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि हमें क्यों करना है,
हमें टास्क की इंपॉर्टेंस पता नहीं चलती, ऑफिस का काम कर लेते हैं क्योंकि हमें सैलरी मिल रही है, खुद का काम नहीं करते क्योंकि हमें सैलरी नहीं मिल रही है इसलिए हम उसका इंपॉर्टेंस भी नहीं समझ पाते, कॉलेज का काम कर रहे हैं सबमिशन कर रहे हैं क्योंकि वरना मार्क्स कमाएंगे ग्रेड्स कमाएंगे, खुद का काम नहीं करते क्योंकि उसके कोई मार्क्स नहीं देता उसका कोई ग्रेड नहीं देता इसलिए वो नहीं करते, राइट। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार हमें तो पता है कि हमें क्या करना है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव भी है, फिर भी हम प्रोडक्टिविटी अचीव नहीं कर पाते। तो यार इसके भी कई सारे रीजंस है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। आपके आजू बाजू एक बार देखो, पता करो कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस है जो आपको प्रोडक्टिविटी अचीव नहीं करने दे रहे। अभी ये सिर्फ फिजिकल थिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मेंटली भी देखो दिमाग में क्या चल रहा है, कितने चीज़ों पर काम कर रहे हो एक साथ, ये सारे फैक्टर्स भी इम्पैक्ट करता है प्रोडक्टिविटी अचीव करने में। अगर मल्टीटास्किंग कर रहे हो, एक काम कर रहे हो अच्छे से बट साथ में फ़ोन देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, किसी का मैसेज आया, मेल आया, किसी ने पोस्ट किया, किसी ने लाइक किया, तो दिमाग को कैसे पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है? उसको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा टास्क इंपॉर्टेंट है? वो दिमाग को तो बताना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही काफ़ी सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम प्रोडक्टिविटी अचीव नहीं कर पाते। तो यार अब मैं बताऊंगा कि मैं प्रोडक्टिविटी अचीव करने के लिए क्या कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट कैसे सीख रहा हूँ, एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा ताकि आप भी समझ पाओ और इससे सीख पाओ और इम्प्लीमेंट करो। तो यार सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को प्री प्लान करना पड़ेगा कि हमें क्या अचीव करना है, कौन से टास्क करने हैं और कैसे करने हैं, वो हमें पता होना चाहिए। अब कैसे करने हैं वो नहीं पता, क्या करना है वो नहीं पता, बट करना है वो पता है। तो इसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, कैसे करना है, क्या करना है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जो भी टास्क आपको करना है उसके लिए पहले ये सोचो कि इस टास्क से आपको क्या सीखने को मिलेगा, क्यों आपको करना है, क्या अचीव होगा इसको करके और इसको कैसे करना है। वो तीन चीज़ों के बारे में सोचो, लिखो और फिर ही उस टास्क को कंसीडर करो। अब मैं कोई रैंडम टास्क उठा लूँ कि ये मेरे को करना है बट मेरे को कोई क्ल्यू नहीं है कि कैसे करना है और इसको क्यों करना है, तो क्या मैं उसको कर पाऊँगा? वो प्रोक्रेस्टिनेट होता ही रहेगा, राइट। तो चीज़ों को प्री प्लान करो, जब भी रात में सो जाओ उसके पहले डायरी में या व्हाइट बोर्ड पर लिख दो कि हाँ मेरे को नेक्स्ट डे उठ के ये सारी चीज़ें करनी है। और जो भी टास्क लिखो वो ऐसे लिखो जिसके बारे में आपको पता हो कि आपको इसको क्यों करना है, उसका गोल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जब प्री प्लानिंग कर ली तब आपको नेक्स्ट दिन सुबह ऐसा नहीं लगेगा कि यार आज उठ के मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, ठीक है वो सब नहीं होगा। प्री प्लान किया हुआ है तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, ठीक है। अब प्री प्लानिंग कैसे करनी है, देखो इसके दो तीन वेज है। पहला वे ये है कि ऑर्डर में लिखते जाओ कि आपको सुबह उठ के पहले ये करना है, फिर नेक्स्ट ये काम करना है, फिर और नेक्स्ट ये काम करना है, ठीक है। अब ऐसा मत लिखना कि ब्रश करना है, नहाना है, थोड़े रियल टास्क बनाओ जिससे कुछ अचीव हो पाए, जिससे आप कुछ सीख पाओ, ये सब तो रोज़ करना ही है, राइट। तो ऑर्डर वाइज लिख सकते हो कि पहले मेरे को ये टास्क करना है फिर ये करना है। फॉर एग्जाम्पल तीन चीज़ें हैं मेरे पास अभी, ठीक है, मेरे को हेल्थ पे फोकस करना है, मेरे को पढ़ाई पे फोकस करना है, कॉलेज वर्क हो गया, एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, और मेरे को कुछ स्किल सीखनी है, कोई नई स्किल सीखनी है। तो इसको मैं ऑर्डर वाइज लिख सकता हूँ कि सुबह उठ के पहले मेरे को हेल्थ पे फोकस करना है। हेल्थ में आप लिख सकते हो कि मेरे को मेडिटेशन करना है या फिर वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करनी है या योगा करना है। उसके बाद मेरे को कॉलेज का काम करना है और उसके बाद मेरे को कोई नई स्किल सीखनी है। और उसके साथ ये लिखो स्किल में क्या सीखना है, कैसे सीखना है, वो अगर नहीं पता तो वो भी लिख दो और अगर पता है तो उसको रहने दो। और इनिशियली उतने ही टास्क लिखो जितने कर पाओ, ऐसा नहीं करना कि 10 टास्क लिख दिए और दो तीन ही हो पा रहे, थोड़ा रियलिस्टिक करना। इनिशियली उतने ही टास्क लिखो जितना आप कर पा रहे हो और फिर धीरे धीरे अगर टाइम बच रहा है आपके पास तो और टास्क उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है सारे आपने टास्क लिखे वो ख़त्म ना हो, बट उसमें टेंशन की बात नहीं है, वो होगा ऐसा, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, प्रोडक्टिव कैसे रहना है, राइट। जो टास्क पे काम कर रहे हो उसमें पूरा कंसंट्रेशन लगा दो, पूरा फोकस लगा दो, क्योंकि आपको पता है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस अगर नहीं पता आपको तो उसको अच्छे से ख़त्म करने में प्रॉब्लम आएगी, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी बात करूँ, अब मेरे को एक वीडियो अपलोड करना है, ठीक है, मेरे को पता होना चाहिए कि उसका टॉपिक क्या रखना है, क्या स्क्रिप्ट लिखनी है, कैसे एडिट करना है, कब एडिट करना है, क्या टाइटल लिखना है, क्या डिस्क्रिप्शन रखना है, कैसा थंबनेल रखना है, वो सब पता होना चाहिए। अगर उसकी इम्पोर्टेंस मेरे को नहीं पता तो यार वीडियो हो सकता है कि काफ़ी लेट से अपलोड हो, ठीक से अपलोड ना हो, उस पर फिर प्रोक्रेस्टिनेट होता ही रहेगा।
वो प्लान किया हुआ टास्क फिर ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो टास्क की इंपॉर्टेंस समझो और जितने अचीव कर पाओ एक दिन में बस वही लिखो। और अगर ऑर्डर वाइज नहीं लिखना है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो बस टास्क लिख दो कि कौन से टास्क आपको करने हैं। तो जब भी आप आपके व्हाइट बोर्ड पे देखो या डायरी में देखो तो आपको पता चले कि हाँ मेरे को इतने टास्क तो करने ही हैं, इतने टास्क मेरे हो गए हैं, इतने टास्क मेरे बाकी हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्री प्लानिंग योर टास्क। जितना हो सके उतना आपके सामने रखना, आपकी आँखों के सामने रखना वो चीज़, वरना दिमाग में और कुछ चलता रहेगा, वो चीज़ को भूल जाओगे। इसलिए जो भी टास्क लिखो अपनी आंखों के सामने रखना। अब टास्क तो लिख दिया, ठीक है, बट उसको अचीव करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, राइट? उसके लिए फोकस तो रहना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करना होगा, जो मैं करते आया हूँ, ठीक है, कि नींद पूरी होनी चाहिए। अगर अच्छी नींद आती है तो टास्क पे अगले दिन फोकस कर पाओगे, वरना हो सकता है कि दिमाग उतना काम ना करे, जो मैंने भी रियलाइज़ किया है। दूसरी चीज़ यह है कि एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि हम एफर्ट्स डाल रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, राइट? तो एनर्जी तो चाहिए। अब भूखे पेट हम काम करना स्टार्ट कर दें तो वो अचीव नहीं होगा, उसको ख़त्म नहीं कर पाओगे, डिले होता रहेगा। ठीक है, इसलिए अच्छा खाना खाओ, सही टाइप का खाना खाओ जिससे एनर्जी रहे, और फिर टास्क पे काम करो। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये है कि अपना माइंड क्लियर रखो। माइंड क्लियर नहीं होगा तो उस टास्क पे जब काम करोगे काफ़ी सारे और ख्याल आएंगे। अगर मैं कॉलेज का काम कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में कोई सोशल मीडिया का पोस्ट चल रहा है तो कॉलेज का काम ठीक से नहीं होगा। ऑफिस का काम कर रहा हूँ और दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे दोस्त ने क्या अपलोड किया, तो ठीक से काम नहीं होगा, काम डिले होता जाएगा। ठीक है, तो माइंड क्लियर रखो। माइंड कैसे क्लियर रखना है, वर्कआउट कर सकते हो, लाइट एक्सरसाइज कर सकते हो, एक छोटा वॉक लेकर आओ ताकि माइंड क्लियर रहे। ठीक है, तो यार यही चीज़ मैं फेस करते आया हूँ, चैलेंजेस मेरे को पता चले हैं कि क्यों मैं फोकस नहीं कर पाता, अभी भी सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, आपको भी बताता रहूँगा। और जितना जो मैंने सीखा है मैं इंप्लीमेंट करते आ रहा हूँ, वो मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया। अगर आपको और जानना है, कुछ और कन्फ्यूजन है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो तो यार, जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर।